दावतों में सर्व किए जाने वाला ईद स्पेशल देगी मटन कोरमा की रेसिपी आज हम बनाएंगे और ये बहुत ही रिच फ्लेवर वाला मटन कोरमा हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में ताकि हमारी रेसिपी फटाफट से बन जाए। तो सबसे पहले रख लेते हैं प्रेशर कुकर मीडियम फ्लेम पर। इसमें डालेंगे 1 कप भर कर तेल। तेल की जगह पर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। कुछ खड़े मसाले डालेंगे इसमें, 3 से 4 लौंग, आधा चम्मच काली मिर्च, हरी इलायची 8 से 10 डाल लेना है और 2 से 3 डाल लेते हैं तेजपत्ता। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसे बस आधे मिनट के लिए ताकि सारा इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। मटन लिया हुआ है मैंने फैट के साथ 1 किलो। इसे हमें पकाना है हाई फ्लेम पर। जैसे ही इसका पानी सारा सूख जाए तब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरह से मटन को फ्राई करने से मटन का फ्लेवर काफी उठ कर आता है ये कोरमा में। मटन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करते हुए फिर से मटन के साथ हम अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए तब तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। पाउडर मसाले में डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर कर धनिया का पाउडर। 1 बड़ा चम्मच भर कर डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तीखी वाली लाल मिर्च है ये। और कलर के लिए डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 बड़ा चम्मच भर कर। हल्दी का पाउडर डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच। नमक डाल लेते हैं मटन के हिसाब का। और अब मीडियम फ्लेम पर ये सूखे मसाले को चलाते हुए मटन के साथ हम पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। सूखे मसाले अच्छी तरह से लिपट जाए मटन पर तब तक हम इसे पका लेते हैं। दही है ये 1 कप भर कर। इसे ग्राइंडर में मैंने घुमा लिया है, इसे डाल देंगे। दही डालने के बाद फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे और इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ये दही अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स हो जाए हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेते हैं और फिर से इसे चलाते हुए हमें सारी चीजों को भून लेना है। दही का सारा पानी सूख जाए और तेल सारा सेपरेट होने लगे तब तक हम इसे भून लेते हैं। अब पानी डाल लेते हैं 1 कप भर कर। कोरमे में हम डालेंगे 1 होममेड कोरमा मसाला। इसके लिए कुछ खड़े मसाले रोस्ट कर लेते हैं। 1 डालेंगे जावित्री, 2 इंच की दालचीनी है इसको टुकड़ों में डाल देंगे इस तरह से, 3 से 4 लौंग, 1/4 पीस डालेंगे जायफल का, आधा चम्मच काली मिर्च, 2 काली बड़ी इलायची और 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे जीरा। हल्का सा इसे रोस्ट कर लेते हैं और इसका अब हम बना लेते हैं 1 पाउडर। तो ये हमारा स्पेशल कोरमा मसाला बनकर रेडी है। आधा कोरमा मसाला अब हम इस कोरमे में डाल देंगे और आधा हमें बाद में डालना है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मटन को हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक या फिर 25 से 30 मिनट तक हम इसे पका लेंगे मटन सॉफ्ट होने तक। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और प्रेशर कुकर थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे। अब फ्लेम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही कोरमे में बॉईल आना शुरू हो जाए हम इसमें डाल देते हैं 2 मीडियम साइज की तली हुई प्याज क्रश करके। मिक्स करते हुए तली हुई प्याज को हम पका लेते हैं मटन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। 10 काजू और 10 बादाम लेना है। अब इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे डाल देंगे अब यहाँ पर और इसे अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर से इसका तेल सेपरेट होने लगे तब तक हमें इसे भून लेना है। मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ग्राइंडिंग जार को धोकर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जितनी गाढ़ी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेते हैं। बचा हुआ जो कोरमे का मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे। साथ ही इसके डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को और अब इसे हम इसी तरह से ढक कर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं कोरमा अच्छी तरह से पक चुका है, तेल भी सारा सेपरेट हो चुका है। बढ़िया सा दानेदार डेगी स्टाइल मटन कोरमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे आप सर्व कर लीजिए तंदूरी रोटी, नान या पराठा के साथ। ट्राई जरूर करें ये शानदार मटन कोरमा। और रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही और रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।